भारतीय फौज का हैलीकॉप्टर ध्रुव पठानकोट नेड़े रणजीत सागर डैम की झील विच डिग्या है। इस हैलीकॉप्टर ने मामून शौणी तो सवेरे 10:20 से उड़ान भरी सी अते 10:30 से करीब रणजीत सागर डैम की झील उपरों घूमते समय तकनीकी नुकसपैण कारण यह झील विच जा डिग्गा। इस विच पायलट AS बाट कैप्टन जयंत जोशी सवार सन, वह दोवें अजे लापता ने अते उन्हां दी भाल विच सवेर तो ही तलाशी मुहिम चल रही है। यह हैलीकॉप्टर निगरानी ते सी अते काफ़ी नीवा हो के मशकां कर रहा सी कि अचानक बेकाबू हो के झील विच डा डिग्गा। घटना तुरंत बाद सेना के अधिकारी अते जिला पुलिस के मुखी सुरेंद्र लांबा मौके पर पुज गए अते किश्तियां लैके हैलीकॉप्टर विच सवार अधिकारियों की तलाश शुरू कर दी। रणजीत सागर डैम के मुख इंजीनियर राम दर्शन अते निगरान इंजीनियर नरेश महाजन डैम का स्टीमर अते बेड़ा लैके पुजे अते डैम की राहत टीम नू हैलीकॉप्टर का कुछ मलबा झील विचों तैरता मिलिया, जो उन्होंने फौज के अधिकारियों हवाले कर दिता। इस मलबे के विच दो हैलमेट ते मुढ़ली सहायता का समान शामिल सी। देखिए, अभी जो रीसेंट स्टेटस है वो ये है कि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, NDRF, पुलिस, J&K पुलिस, पंजाब पुलिस, सभी लोग वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। डैम की जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पे सारे, तो आर फोकस इज ऑन दी रेस्क्यू ओनली। उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें हम बाद में आपको अपडेट कर पाएंगे क्या चीज़ें हैं, एंड इन दी डिटेल्ड वर्जन कैन बी सॉर्ट फ्रॉम दी आर्मी कंसर्न ऑफिशियल। सर, पायलट्स का कुछ पता चल पाया है कि कितने पायलट्स थे उस प्लेन के अंदर? देखिए, अभी तक जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये जो चॉपर है उसके अंदर 2 पायलट होते हैं, और अभी हम वी आर ट्राइंग टू ट्रेस दोज एज पर दी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आई गॉट। अभी तक वी हैव नॉट बीन एबल टू मतलब ट्रेस दैम, तो अभी हम कर रहे हैं, वी आर होपफुल। मतलब क्या होता है देखते हैं, लेट्स सी।